नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाहीन। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आग लगी हुई है। आज फिर नवी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज पेट्रोल की कीमतों में फिर से उछाल आया है, आम आदमी की जिंदगी पर फिर से बवाल आया है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच आम आदमी की जेब कटती हुई नजर आ रही है। वहीं कई जगह पर जनता ये भी कह रही है कि अगर 500 रुपये प्रति लीटर भी हो गया तब भी खरीदेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम ने उन लोगों की जेब पर खासा असर किया है। यहाँ पर हम मौजूद हैं लखनऊ में पेट्रोल पंप पे। यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार भाई साहब। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, घटाया जाए रेट। आम आदमी के जीवन पर और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज नवी बार बढ़े हैं। आपके दिनचर्या पर आप क्या करते हैं? मैम, हम तो अपना काम करते हैं, कार, कृषि कार। देख रहे, जनता का सीधे कहना है कि घटाया जाए, अगर घटाया नहीं गया तो उनकी जेबें जो हैं वो हल्की होती जा रही हैं। और लगातार आज 100 के पार हो गया है पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 के पार हो गया, और डीजल भी 100 के अंदर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का जो रेट है वो 100 के पार हो गया, 101.64, और डीजल जो है वो 93 कुछ है। और यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे, आज पेट्रोल और डीजल की क्या रेट है भाई साहब? डीजल के क्या रेट है? 101.84 पैसे। और डीजल के क्या प्राइस है? 93.20। 101.64 पैसे और डीजल के 93.20% प्राइस हो गए हैं। इसकी वजह से खासा असर पड़ रहा है। आगे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। यहाँ पर जो कर्मी हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, वो यहाँ पर नौकरी करते हैं। जी हाँ सर, पेट्रोल और डीजल के क्या रेट हैं आज के रेट में? नवी बार बढ़ाए गए, आज का क्या रेट? आज का रेट चल रहा है, डीजल का चल रहा है 93.20 पैसे और पेट्रोल का 101.64 पैसे। अच्छा, आपकी स्वयं की गाड़ी है? नहीं, हम तो साइकिल से आते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटने चाहिए कि और बढ़ने चाहिए? वैसे तो घटने चाहिए। घटने चाहिए जी। अच्छा, आपका क्या विचार है? घटना चाहिए मैम, और क्या भाई, खुद की गाड़ी है? हाँ है, हमारे खुद की गाड़ी, वो खड़ी है सामने। अच्छा, तो क्या असर पड़ा है, आपकी तनख्वाह वगैरह बढ़ी है या उतने ही पे ही? अभी तो उतने में चल रहा है। लोगों की जो है आमदनी उतनी ही है, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, अन्य चीज़ों के दाम है, वो लगातार ऊंचाई पर जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जी हाँ बाबा, आप क्या करते हैं? हम यही डिलीवरी मैन हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए घटने चाहिए? बढ़ने चाहिए, जब इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ रहा है तो बढ़ने ही चाहिए। बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। कोई देखिए, लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ सर, पेट्रोल और डीजल के दाम आज नवी बार बढ़ गए हैं, लगातार 22 मार्च के बाद से लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, आपका क्या विचार है? देश की आवश्यकता जो भी होगा तो देश बढ़ रहा, सरकार जो है अच्छा काम करे, अगर देश के लिए पेट्रोल को बढ़ाना पड़े तो देश हित में है। आम आदमी की ज़िंदगी जो है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आम आदमी की असर तो पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, आम आदमी, लेकिन देश तो सबसे पहले देश होना चाहिए ना। असर तो पड़ेगी, जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? यूक्रेन, इसका ये महंगाई हर चीज़ में बढ़ती जा रही है ना। अरे तो लोगों को ये देखिए ना, निःशुल्क राशन भी तो मिल रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन को देख लीजिए, वहाँ तो पेट्रोल डीजल सस्ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ही महंगाई में इजाफा हो रहा है। देखिए, इसके नहीं, जनसंख्या भी है, ऐसा केवल यूक्रेन पे हम दूसरों पे निर्भर रह के तो देश नहीं चल सकता, अपने ऊपर भी निर्भर रहना। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ तो रोजगार तो नहीं बढ़ेंगे ना। अगर जिले में 100 पुलिस की भर्ती 100 होनी है और जिले में 500 की संख्या है तो सबको तो पुलिस नहीं बना दिया जा सकता, तो जनसंख्या भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। हम दूसरे के कंधे पे कब तक पैर रखेंगे? सरकार जो अच्छा कर रही है, लोगों का ये कहना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार जो फैसले ले रही है वो सही ले रही है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका मेन जो मुख्य कारण है वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार हाइक हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज नवी बार बढ़ाए गए हैं, आपका क्या कहना है? कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? कम होने चाहिए। आम दिनचर्या पर लोगों के असर पड़ रहा है अब इसके, इस तो सबके लिए ये है।
जनता जो है वो यही कह रही है कि कम होने चाहिए, कोई कह रहा है कि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और सरकार जो फैसले ले रही है वो भी सही है। कहीं हद तक लोगों का यही कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो घटने चाहिए ना कि बढ़ने चाहिए, जिससे लोगों को अपनी आमदनी जो है उस पर उससे उसमें जितनी है उससे राहत मिल सके, ताकि लोग अपना जीवन यापन जो उनकी दिनचर्या है रोज की, कहीं आना जाना या कुछ भी है उस पर उससे राहत मिल सके। जी 80 पैसे हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, 80 पैसे बढ़ रहे हैं। हमारा कहना है या तो वे बढ़ा दें एक बार से, एकदम से एक बार बढ़ा दें, ठीक है, हर दिन 80 पैसे 60 पैसे बढ़ाने क्या मतलब, आदमी को एक बार झटका दें डायरेक्ट 100 रुपये लीटर कर दें। कोई कह रहा है देश की जनसंख्या भी तो इतनी ज़्यादा है, सरकार जो फैसला ले रही है वो सही फैसला ले रही है। अरे चलो कुछ चीज़ों में सही फैसला ले रही, लेकिन हर चीज़ में महंगाई, चलिए ये डीजल पेट्रोल बाहर से आ रहा है बढ़ रहा है, चलो हम मानते हैं, एक जैसे अब नेट की आएगी समस्या, ठीक है, अब नेट की समस्या है तो नेट का क्या है जो सरकार नेट बाहर से ले रही है, क्या नेट के पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं? रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उससे खासा असर हो रहा है, इसी की वजह से ये और महंगाई पर इसका असर पड़ रहा है। चलिए ठीक है, मानते ही ये भी महंगाई, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जैसे मान लीजिए हमें जहाँ तक पता है गोवा है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल काफ़ी सस्ता आएगा, तो ऐसा क्योंकि इंडिया में जितने शहर सब में अलग अलग जो है मतलब तरह का वो आ रहेगा। खाद्य पदार्थों में जो कड़वे तेल हैं, जो सरसों का तेल है, उनका भी तो रेट गिरा है। गिरा है, लेकिन जो गिरता है, अब जैसे मान लीजिए गैस है, गैस बढ़ती चली जा रही है, अब पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता हैगा रुपयों में कायदे से, ठीक, और जब घटता है तो 10 पैसे 20 पैसे घटने में खाली पैसे घट रहेंगे और बढ़ने में रुपए बढ़ रहेंगे, ये कौन सा तरीका आएगा ये समझ में नहीं आता है। या तो फिर बाद में घटाओ भी ना, ठीक है ना, या तो ये घटाओ ना एकदम से, तो बढ़ा दो कि 100 रुपये अब 100 ही रुपये, जब तक लगता है ये बढ़ता जाएगा ये ट्रेन, ये रुकेगी यहीं पे महंगाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हालात देखते लगता नहीं कि रुकेगी, बढ़ता ही जाएगा ये। जनता का ये कहना है कि ये ट्रेन यहाँ रुकने वाली नहीं, महंगाई की ये जो ट्रेन है वो लगातार भागती जाएगी। देखिए यहाँ पर ड्राइवर साहब मौजूद हैं, ड्राइवर साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। क्या करते हैं, मतलब गाड़ी में क्या लेके जाते हैं? ये जैसी भी कमा लेके जाते हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आपका आना जाना प्रतिदिन लगा रहता है, इससे आप सहमत हैं? सहमत तो नहीं, लेकिन मजबूरी का करी। अच्छा, तो क्या मानना है आपका कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो यही स्थिर हो जाने चाहिए? हाँ, रुक जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, और कम होना चाहिए? अरे कम होना चाहिए, लेकिन सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, कम हो, महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। हाँ, जनता अपील कर रही है कि मोदी जी, योगी जी महंगाई को कम करें, जिससे जनता को राहत मिल सके। जेब पर खासा असर पड़ रहा है, जेब पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान है, और वो यही चाह रही है कि महंगाई की जो दरें हैं, जो पेट्रोल डीजल की दरें हैं, वो निचले स्तर पर लाई जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। कैमरामैन सूरज के साथ मैं शाहीन, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।